इस घड़ी के साथ ही तेरे लाल को दी गई मोहलत की घड़ी खत्म हो गई और तेरी जिंदगी की घड़ी भी। टोनी, इतनी गोलियां बरसाओ इस बुढ़िया पर कि इसके बेटे को अपनी माँ की लाश की जगह खून में भीगी हुई हमारी गोलियों की चादर मिले। शंभू, ओ शंभू, शंभू तू आ गया, मतलब शेर ने शिकार छोड़ दिया। माँ की जिंदगी कानून से महंगी लगी। खाकी वर्दी माँ के सफेद कफन से घबरा गई। नहीं डाबर, उस माँ के लाल ने तो मुझे छोड़ा नहीं, मैं खुद ही जेल तोड़ के भाग आया। नहीं नहीं, ये मेरी बेइज्जती है, मेरे दहशत का मजाक है ये। शंभू शंभू, मेरे मस्तक में आग लग गई है। आग लग गई है, तू बता कि उस छोकरे को अपने माँ के मरने का यकीन नहीं था या मेरी दहशत की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? अरे ये मुझसे पूछ, ये सबक मैंने उसे गोद में दिया था कि फर्ज के लिए माँ तो क्या, मौत की भी परवाह मत करना। गोली मार दो इसको। खबरदार, क्यों एक लाचार औरत पे गोलियां चलवा कर अपनी मर्दानगी पे नामर्दानगी का दाग लगाता है? ए, क्या बोला रे तू शंभू? यही कि अब ये सिर्फ उस माँ के लाल की माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। ओ, अपनी हर ठोकर से कानून को मुंह के बल गिराने वाला मेरा शंभू खुद मुंह के बल कैसे गिर गया? मैं क्या, इस माँ के बेटे के साथ शैतान भी दो दिन गुजार ले तो वो भी मुंह के बल गिर के इंसान बन जाए। उस बेटे को दी हुई शिक्षा इसी माँ की है कि दूसरों को मारकर जीना कोई गौरव की बात नहीं, मगर खुद को मारकर किसी और के लिए जीना ही जीना है। शंभू, तुम और हम कचरे के ढेर से उठने वाली वो बदबू है जिसको जमाने की नाक कभी सह नहीं सकती, और कचरा चाहे कितना भी साफ हो जाए उससे बदबू ही उठती है। कानून को पीठ दिखाकर हमसे कंधा मिलाओ, वरना तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये मत भूल डाबर कि तेरी दहशत और ताकत शंभू की हिम्मत की मोहताज है। अगर पानी न रहा तो समुंदर कैसे रहेगा, और जब समुंदर नहीं रहेगा तो उसमें तूफान कहां से आएगा? शंभू, भूल गया वो दिन जब कानून पिस्तौल का निशाना लगाए तुझे ढूंढ रहा था, तब मैंने बचाया तुझे, मैंने, और आज उसी कानून से मुझे धमका रहा है? शंभू याद रख, यही कानून तू एक बार फिर तोड़ेगा, ये जेल दोबारा टूटेगी। आज तू अपनी मुंह बोली माँ की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश लेने आएगा। राम सौद। Thank you.
डाबर, अपने इन कुत्तों से कह दे वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। शंभू। हाँ हाँ शंभू, जो आज यहां से अपनी मां को हर हालत में हर कीमत पे लेके जाएगा, भले ही उसे गोलियों की बौछार से गुजरना पड़े या लाशों के ढेर पे होकर चलना पड़े। मैं मानता हूं तुमने कानून के लिए जज्बात की कुर्बानी दी है, मगर मां। बेटा, तुझे दोबारा मां कहने का हक मेरे आज इस बेटे ने दिया है। शंभू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी तकलीफ मुझे इस जेल में तेरी वजह से नहीं उठानी पड़ी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मेरी वजह से तेरी मां को उन जालिमों की कैद में उठानी पड़ी। मुझे माफ कर देना मां। नहीं बेटी, नहीं, तू तो वो महान इंसान है जिसको जन्म देकर आज भगवान को भी अभिमान होगा। ओ मां, ये दो बोल बोलकर तूने शंभू को दोनों जहां का बादशाह बना दिया। जेलर, ये कैदी और सिपाही के खेल का मैदान तू जीत गया। तू जीत गया मेरे यार, तू जीत गया। एक आखिरी ख्वाहिश है, वो भी पूरी कर देगा। दोस्त, जान दे दूंगा। जान नहीं, सिर्फ जुबान दे कि आज के बाद मुझे मुजरिम कहके कभी नहीं बुलाएगा। विजय, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? तुम उन कैदियों के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाना चाहते हो? उन्हें मैदान में खुला छोड़ दोगे? सारी जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा विजय। हेलो शर्मा अय्यर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है जी। पंकज उदास आ रहा है जी? जी, तो फिर मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी, जरूर आइए, इसीलिए तो ये जश्न रखा है मैंने सर। थैंक यू। कैदियों के विश्वास की जांच, देख लिया मुजरिमों के दिलों दिमाग पर विश्वास की बेड़ियां बांधने का अंजाम, टूट गया ना विश्वास का ताला। जेलर साहब, अगर ये आज आपके विश्वास को अंधेरे में डुबाकर चला गया होता तो कल दिन के उजाले में ना हम आपको शक्ल दिखाने लायक होते और ना आप कानून को, इसलिए माफ करना, आपसे बगैर पूछे चला गया। शंभू, तुमने मुझे बहुत बड़ी हार से बचा लिया, वरना आज मैं अपने आप से हार जाता। शंभू, हार तो तेरी उस दिन होगी जब तू मुझे अकेले में मिलेगा। जेलर, याद रखना, जेल की चक्की की तरह तुम दोनों को पीस कर रख दूंगा। ले जाओ इसे। मामा, कैसे आऊंगा मैं? अपनी गुड़िया बहन के लगन में कैसे आऊंगा मामा? मगर बेटे, तुम्हारे बगैर तो गुड्डी लगन मंडप में बैठेगी नहीं, और तुम्हारे नहाने की वजह पूछेगी तो क्या बताऊंगा उसे? मामा, अपनी बहन का कन्यादान इस बदकिस्मत भाई के किस्मत में नहीं है, इस जन्म में, इस शंभू के नसीब में नहीं है। मामा, इस शंभू के नसीब में नहीं है। शंभू, तुम अपने नसीब को कोसो या अपनी किस्मत को, मगर गुड्डी की शादी में तो तुम्हें हर कीमत पर आना पड़ेगा, वरना बारात लौट जाएगी मेरे बेटे, बारात लौट जाएगी। छुप छुप रोए मैया, छुप छुप रोए।
शंभु, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से बहुत जल्द तुम इस जेल से रिहा होने वाले हो। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इसी उम्मीद के साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं दोस्त। मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा। मुझे रिहाई नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दो। बात क्या है शंभू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद होगा दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में मेरी एक मासूम बहन है, शंभू, सिर्फ उसी के लिए जिंदा है। कल उसकी शादी है विजय। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी बहन तो मेरी भी बहन हुई शंभू। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसकी शादी में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं दोस्त, तुम शायद मुझसे भी ज्यादा एक भाई का फर्ज निभा सकोगे, लेकिन वो तुम्हें पहचानती नहीं, और मेरी बहन तब तक डोली में नहीं बैठेगी जब तक उसका ये भाई उसके सामने नहीं होगा। मेरी तुमसे इल्तजा है दोस्त, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो। नहीं शंभू, नहीं, मैं मजबूर हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। ठीक है मां के लाल, उस दिन तेरी मजबूरियां कहां थी जब तेरी मां की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, और आज मेरी बहन की जिंदगी खुशियों का सवाल है। याद रख, मैं तेरी जेल से भाग चुका था। अगर तेरी दोस्ती का भरम और मां का ख्याल नहीं होता तो तेरा यह कानून मुंह देखता रह जाता। देख विजय, मां के लाल, मुझे एक दिन की, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दे। मैं यकीन दिलाता हूं गुड्डी को डोली में बिठाने के बाद फौरन तेरे पास लौटाऊंगा, इस जेल में वापस लौटाऊंगा। ठीक है, आज तुम्हारी दोस्ती ने मुझे अपने फर्ज के साथ गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखना शंभू, मैं अपने करियर को दांव पर लगाकर तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। शंभू तेरी दोस्ती को रुसवा नहीं होने देगा, यकीन रख। मर गया साहब, जेलर साहब मर गया। क्या हुआ शंभू? जेलर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा जेलर साहब, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलिए जेलर साहब। सर इसे हॉस्पिटल ले जा। ये क्या है शंभू? हालात की इतनी मजबूरियां हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और ये कैसे हो सकता है कि बहन की शादी हो और भाई उसे कुछ ना दे? नहीं मां के लाल, नहीं, बहन के लिए बस तुम्हारी दुआएं ही काफी है। हाँ, फिर मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो मेरी बहन के लिए ये रख लो प्लीज। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और तुम जानते हो कि मैं इस जुर्म को 24 घंटे से ज्यादा नहीं छुपा सकता। नहीं मां के लाल, घड़ी में 12 बजने से पहले शंभू अपनी जगह पे होगा। मामा, मामा। मामा, ये सब क्या हुआ मामा? भगवान के जल्दी बताओ गुड्डी कहां है? सब कुछ लुट गया बेटा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शंभू, ये जेल एक बार फिर टूटेगी। आज तू अपनी मुंह बोली मां की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश को लेने आएगा। डाबर। साथियों, दुनिया का कमीने से कमीना भाई अपनी बहन को छुड़वाने जरूर आएगा। ये तो शंभू है, हमारा शंभू, हमारी दुनिया का वो बैशी चीता, चिड़ियाघर का पालतू चीता बनने चला था साला। हमारी दहशत का मजाक है ये, हम इन नगाड़ों की आवाज में उसे मौत की आवाज सुनवाएंगे। बजाओ। Thank you.
चिड़िया घर का पालतू चीता चिड़िया घर का पिंजरा तोड़कर हमारे पिंजरे में आ गया। अपनी बहन के लिए तो भाई कब्रें फाड़ कर आ जाते हैं। मैं तो फिर भी जिंदा हूँ डाबर, बोल मेरी बहन कहाँ है? घायल पंछी की तरह फड़फड़ा रही है हमारी कैद में। देखना चाहता है अपनी बहन को? टॉनी का बड़े से बड़ा शूरवीर पहलवान बलवान माँ और बहन की आंसुओं में डूबकर कमजोर हो जाता है शंभू। और अपनी इस बहन की आंखों में देख कैसी गंगा जमुना बह रही है। तेरा कलेजा तो अंदर से गांठे की तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। सादे कमीने। देख शंभू, मैंने तुझे आज तक दुनिया का हर डाल पे सिखाया क्या? नहीं मतलब तू मेरा चेला बन गया और मैं तेरा गुरु बन गया है? लेकिन तूने गुरु को आज तक गुरु दक्षिणा ही नहीं दी। क्या मांगना चाहता है हरामजादे, बोल। जुर्म का बस एक आखिरी टीका लगाना चाहता हूँ तेरे मस्तक पर। हाँ, 3 करोड़ की चोरी करनी होगी तुझे। वो रुपया लूट कर ले आ और अपने बहन को ले जा, मेरा तेरा हिसाब खत्म। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तेरे को करना पड़ेगा। नहीं, मैं फिर से उस गंदे नाले में नहीं कूदूंगा, जुर्म को उस धारा में नहीं बहूंगा। तो तेरी बहन का खून बह जाएगा। भैया। हरामजादे, तू मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा है? क्योंकि मेरा कलर ब्लैक है, कलेजा ब्लैक है और उसके अंदर का खून भी ब्लैक है, इसलिए मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ठहरो, छोड़ दो मेरी बहन को, मैं तैयार हूँ। शाबाश टॉनी। वाह 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 वाह, हमारे जिस शंभू को जेलर ने मार डाला था वो शंभू अब जिंदा हो गया है। वाह, छोड़ दो छोड़ दो। शंभू उधर देख। ये जहरीली नागिन तेरे साथ रहेगी, यही तुझे डकैती का पूरा प्लान समझाएगी, रास्ता ये बताएगी, चलेगा तू। क्या बात है विजय? मेरे इन हाथों को हथकड़ी पहना दीजिए सर। ये अच्छा मजाक है? मजाक नहीं, मेरे किए हुए जुर्म की सजा है ये। जुर्म और तुम? विजय, एक बार सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलने की गलती कर सकता है, मगर तुम कभी जुर्म नहीं कर सकते। ये हाथ हथकड़ियों के लिए नहीं, चूमने के लिए बने। नहीं जेलर साहब, जिस कानून के खातिर मैंने अपनी माँ की जिंदगी की परवाह नहीं की, उस कानून को एक मुंह बोली बहन के खातिर मैंने तोड़ दिया। शंभू को उसकी बहन की शादी में जाने के लिए एक दिन की छुट्टी देने का जुर्म कर बैठा, और आज 2 दिन हो गए शंभू वापस नहीं आया। अब ये हाथ कानून के नहीं, हथकड़ी के बोझ के लायक रह गए। मुझे गिरफ्तार कर लो जेलर साहब। विजय, तुमने विश्वास और जज्बात में आकर जो किया बहुत बुरा किया, क्योंकि कानून एक ऐसा हथियार है जो सब अच्छाइयों को भूल जाता है, मगर एक गलती हो जाए तो गर्दन काट देता है। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं विजय, नहीं, इंसानियत का धर्म निभाने वाले को ये जेलर सजा की भट्टी में कैसे झोंक सकता है? आई डू वन थिंग, मैं शंभू के जेल से भाग जाने की खबर को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक छुपा कर रख सकता हूं। इन 3 दिनों के अंदर अंदर तुम अपने मुजरिम को ढूंढ कर यहां पर ले आओ, इस तरह तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और कानून की आन भी। आज है 14 तारीख, मुजरिम काफी दूर निकल चुका होगा और तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, 15 और 16। मेरे विश्वास के सीने में खंजर घोंपने वाले गद्दार, आज मेरे सामने मत आना, मैं अपनी इज्जत के कातिल तक पहुंचने के लिए हर दीवार गिरा दूंगा। कानून की ये दीवार कभी नहीं गिर सकती शंभू। तेरी बहन के खातिर मैंने कुछ देर के लिए इसमें दरार डाल दी थी, मगर अब तेरी आजादी की घड़ी खत्म हो गई।
कितना खुदगर्ज और मतलबी इंसान है तू। तेरी मां को बचाने के लिए जेल तोड़ू तो नेकी है, और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए दो कदम आगे चलू तो जुर्म है। देख मां के लाल, देख, तेरे दिए हुए नोट अभी मेरी जेब में मौजूद है। इंसानियत का बदला ही उतार दे मां के लाल। तेरी मां को बचाने के लिए मैंने जेल तोड़ी थी, मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए तू चंद घंटों के लिए कानून नहीं तोड़ सकता। आखिर वो तेरी भी तो मुंह बोली बहन लगती है। शंभू, मेरी नजरों में तेरा विश्वास मर चुका है। लेकिन शंभू अभी जिंदा है मां के लाल। रुक जा। तेरा काम मैंने कर दिया डाबर, मेरी बहन मेरे हवाले कर दे। शंभू, लगता है उस जेलर ने तेरी खोपड़ी पे कानून की किताब घिस घिस कर तेरी अकल, तेरी याददाश्त सबका सत्यानाश कर दिया है। तू ये भी भूल गया कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं। रुक जाओ शंभू, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। आओ जेलर, आओ आओ आओ। देखो जेलर, इसने मेरी बहन, बस सब बहुत हो गया। अपनी बहन के नाम से मेरे दिल और जज्बात से बहुत खेला तूने शंभू। मैंने तो तुझे हीरा समझा था, लेकिन तू तो कचरे का ढेर निकला। हाँ जेलर, बिल्कुल कचरा है कचरा। मैंने बोला था इसको, कचरे को कितना भी साफ करो उसमें से बदबू ही आएगी। अब ले जाओ इसको, हमारे किसी काम का नहीं रहा। क्या जास्टर्ड, अगर मेरी बहन, बकवास मत करो। मेरी बहन, बे बहन वाले, झूठ बोलता है ये जेलर साहब। कोठे वाली है, कोठे वाली। चुप, अब तो कानून के कब्जे में, ऐसे चूहे चूचू नहीं करते, समझे ना। अच्छा हुआ साला मैं जेलर के साथ नहीं था, नहीं तो मैं भी अच्छा आदमी बन जाता था साला। जेलर मेरी बहन। बहन तो मेरी भी है, दुश्मन से मुकाबला तुझे भी करना है और मुझे भी। उठा ले हथियार और हो जाए फैसला। वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारा साला, दोनों हीरो मार खा गए। डाबर साहब, मुझे हिसाब चुकाना है उस कैदी से और आपको इस जेलर से। क्यों ना पार्टी बांट ले। अरे वाह, फंटास्टिक आइडिया, तूने तो मेरे खोपड़ी का ढक्कन ही। ए छोकरी, गोली इधर नहीं, उधर मार उधर। हाँ, ये अपनी पार्टी का आदमी है,
मगर अब मैं तेरी पार्टी में नहीं हूँ। साला तू भी पैंतरा मार रही है क्या? पैंतरा नहीं, आज मैं तुझे भी मार डालूंगी। मतलब तू भी नमक हराम निकली? साला लगता है मेरे नमक में ही कुछ गड़बड़ है, सब नमक हराम निकले। देखता हूँ बाद में देखता हूँ तेरे को।